नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज आप लोग ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो कि बस लास्ट टर्निंग लेनी है और आपको बीएचयू मिल जाएगा, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एडमिशन्स होने हैं, तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन आज जो ये बात है, ये थोड़ा हमारा व्यक्तिगत बातें हैं जो हमारे और आपके बीच में होनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी बातों को बड़े ही आराम से सुनोगे, और प्लीज़ सुनना ज़रूर। अब एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया है। बस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद आप लोग के साथ जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, NTA, CUET की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, इन तमाम चीज़ों में आप जो भी कठिनाइयों का सामना किए हो वो एकदम यूनिक है और वो पहली बार हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब इतना कठिन सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो आज आप लोग का एक ऐसा समय है कि आप ये ज़रूर डिसाइड कर लेना कि आप जिस भी विश्वविद्यालय में जा रहे हो, चूँकि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आना चाह रहे हो क्योंकि कल उसका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, एक बात नहीं भूलना है कि आप BHU में क्यों आ रहे हो। ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पूछ लेना प्लीज़। वैसे अभी आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट है, आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो कि अभी बस आपको दिखता होगा कि हाँ BHU आना है। मैं BHU में 4 साल अपना दे चुका हूँ, आने वाले समय में मुझे हायर स्टडीज में जाना है, तो नो डाउट कि मुझे BHU या अपने देश के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही आगे पढ़ाई करनी है। मैं एक लंबी कतार देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। कम से कम आज मेरा पढ़ाया हुआ पहला बैच BHU के लास्ट ईयर में है UG के। अब उनके मैसेज आते हैं कि सर फाइनली हम लोगों ने अपना UG कंप्लीट कर लिया है, अब PG के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा हमें सजेशंस दीजिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस मैं उन तमाम लोगों को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक बार अपने से ज़रूर पूछें कि आप BHU क्यों आना चाहते हो। और ये पूछने के बाद आपके मन में जो थॉट आता है, जो फीलिंग आता है, कितने भी शब्दों में आता है, कम शब्दों में आता है, ज़्यादा शब्दों में आता है, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बड़े ही प्यार से प्लीज़, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम लेके आप ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बड़ा मेमोरेबल टाइम होगा। आप अपनी सफलता का पहला पड़ाव पे जाने से पहले अपने इमोशंस यहाँ पे आप लिखोगे, और जब आप यहाँ पे अपने 3 साल पूरा करोगे तो इस वीडियो को देखना और इसके कमेंट्स पढ़ना, और 3 साल ही नहीं, कोशिश करना कि आप एवरी कंप्लीटेड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यानी 1 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप ये वीडियो ज़रूर देखना और अपने कॉमेंट को देखना। मेरी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो तो बस इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे पता है कि एडमिशन हो जाता है, ऑनेस्टली सेइंग, एक लंबी भीड़ देखी है जो मेरे से जुड़े हैं उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि मैं जाता हूँ कैंपस, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं बहुत, और पता चलता है कि इनका सिलेक्शन हुआ है, वो मेरे वीडियोस देखते थे, बहुत खुशी मिलती है। लेकिन दुख तब होता है जब आपको ये चीज़ मिस हो जाता है कि आप BHU में क्यों आए थे। बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप लोग अपने इमोशंस, अपने जो एम है, जो आपका उद्देश्य है, ये नहीं भूलना है आपको, जिससे कि आप अपना भविष्य आगे बना पाओ। मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो ले आया हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग कहेंगे क्या है, कुछ तो नहीं था इसमें, लेकिन उनके लिए है ना जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने फैमिलीज को लेके, अपने कैरियर को लेके, जिनको बाहा आडंबर शो ऑफ से मतलब नहीं है, जिनको दिखावे से कोई मतलब नहीं है, जो मैं बोला ना कि सच में बड़े ही ईमानदार हैं, वो उनके लिए है बस। बाकी आपको अच्छा नहीं लगता है तो फ्री है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप इसको नापसंद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आप अपना और अपने जो भी दोस्त हैं उनके कमेंट्स पढ़ के खुद मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि बड़ा अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, हर कोई अपना फीलिंग शेयर करेगा, तो पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा कि देखते हैं क्या इमोशंस हैं,
क्या यूनिवर्सिटीज़ को लेके हैं, क्या अपने कैरियर को लेके हैं, क्या अपने फ्यूचर को लेके हैं, क्या अपनी फैमिलीज को लेके हैं। सो प्लीज़ बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं बहुत जल्द आपको एक नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ MMB एफिलेटेड के जितने भी कॉलेजेस हैं उसका। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग का एक था कि हम लोग 100K कंप्लीट करेंगे, बट कोई नहीं, वो कंप्लीट होगा, आज नहीं है तो कल होगा और कभी ना कभी तो श्योर होगा। तो मुझे बड़ा उम्मीद है हम लोग अच्छा तो ज़रूर करेंगे, और मुझे अब मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं अपने स्टडीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो फ्यूचर तो अच्छा ही है और मैं अच्छा कर भी रहा हूँ। अगर आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को जस्ट एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं सोच समझ के, तो इट मीन्स कि मेरी जो भी एफोर्ट है वो 100% सक्सेस होता है। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होपफुली अभी भी हम लोग 100K की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग साथ बनाए रखोगे तो हम लोग एक दिन 100K भी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, BHU पाठशाला पे इस बार सबसे किफ़ायती पैसे में आपके CUET 2023 की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बता दूं, इस बार BHU पाठशाला के अबाउट 5 मेंबर्स जो कि कहीं ना कहीं अपने UG कंप्लीट कर चुके हैं PG में, यानी मैं और बाकी के 4 दोस्त बहुत ही अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं और उसमें पब्लिक वीडियोस भी होंगे, तो आप अपने भाइयों को ज़रूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि इस बार हम लोग ज़रूर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करने की प्लानिंग में हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव।